देश में बच्चों के गायब होने की समस्या अब एक विकराल रूप लेती जा रही है और इस समस्या के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने में सरकार की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। यह घटना बिहार के मझौलिया बाजार सीतामढ़ी की घटना है। आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल मझौलिया बाजार के समीप हॉस्टल में रह रही चार बच्चियां गायब होने के संबंध में है। आनंद मार्ग की अवधूतिका आनंद तपोप्रमा आचार्य, सीतामढ़ी की आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल की संचालिका और आनंद मार्ग धर्म महासम्मेलन पूरी में भाग लेने गई थी। वहां पर धर्म महासम्मेलन 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक पूरी में ही थी। जाने से पहले पड़ोसन तुरिया देवी पति राम बाबू शर्मा एवं सुनीता देवी के देख रेख मर देकर चली गई। 2 नवंबर को 9:30 बजे पड़ोसन तुरिया देवी ने फोन से बात करके कहा कि आपकी चारों बच्चियां यहां से गायब हैं। प्राइमरी स्कूल की संचालिका अवधूतिका तमोप्रमा सुनते ही वहां से गाड़ी पकड़ ली और 4 नवंबर को पहुंचकर बच्चों की खोजबीन करने लगी, जिसमें सिमडेगा झारखंड की रहने वाली सुहागी मांडी, जिसका उम्र 16 साल है, रंग सांवला है, वहमाई हेब्रम 10 वर्ष उम्र है, मंगली हेब्रम जिसका उम्र 10 वर्ष है, और वैरगेनिया सीतामढ़ी की रहने वाली रिया कुमारी उम्र 12 वर्ष, ये सारी की सारी गायब हैं। 7 नवंबर 2023 को FIR किया गया नज़दीकी पुलिस स्टेशन सोनवर्षा में, जिसका केस नंबर 363 IPC के तहत केस दर्ज किया गया, लेकिन प्रशासन के तरफ से अभी तक इन बच्चियों को लेकर खोजने में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। मीडिया के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाता है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर बच्चों का पता लगाया जाए।